2019 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका लगा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के लिए शक्ति परीक्षण माने जा रहे राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को बड़ी जीत मिली है। हरिवंश जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने, उन्होंने विपक्ष समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को मात दी। हरिवंश के पक्ष में कुल 125 वोट पड़े, जबकि बी के हरिप्रसाद के हक में 105 वोट पड़े हैं। वोटिंग में कुल 230 सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रिजल्ट का ऐलान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश के सीट पर जाकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हरिवंश को जीत की बधाई दी और सहयोग करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए उपसभापति की तारीफ करते हुए कहा कि वो कलम के धनी हैं, साथ ही दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चहेते रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम किया है। वो हमेशा से गांव से जुड़े रहे, उन्हें कभी शहर की चकाचौंध नहीं अच्छी लगी। उन्होंने हरिवंश के गृह क्षेत्र बलिया के बारे में कहा कि अगस्त क्रांति में बलिया की बड़ी भूमिका रही। पीएम मोदी ने अरुण जेटली के राज्यसभा में वापस आने पर भी बधाई दी। आपको बता दें कि एनडीए के लिए बहुमत जुटाना आसान नहीं था, लेकिन अंतिम मौके पर कुछ दलों ने एनडीए के समर्थन का ऐलान किया, जिससे बाजी एनडीए के पक्ष में आ गई। ओडिशा की बीजेडी, तमिलनाडु की एआईएडीएमके और तेलंगाना की टीआरएस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील पर एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह का साथ दिया। एज पर दी वोटिंग आईस 125, नोस 105, द मोशन इज कैरीड। आई देयरफॉर डिक्लेयर दैट श्री हरिवंश has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. My entire house. Sri Harivansh, please. He is now deputy chairman of the entire house. और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य लाभ के बाद हमारे अरुण जी भी आज हम सबके बीच हैं। तो आपको बता दें कि हरिवंश सिंह जो उपसभापति बन गए हैं, वोटिंग हुई और उसमें उनको जीत मिली है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी और एक एक करके हर किसी ने उनको बधाई दी अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये वोटिंग हुई और उसका रिजल्ट निकलकर सामने आया। 122 यस, 98 नो, और दो सांसदों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। 125, I therefore declare that Sri Harivansh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. My entire house. Sri Harivansh, please. He is now Deputy Chairman of the entire house. That part is over earlier. तो आपको बता दें कि अब जो बात पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं हरिवंश, उनकी जीत हो सकती है, और वही हुआ। क्योंकि और एनडीए के लिए भी ये आंकड़ा जुटाना आसान नहीं था, लेकिन आखिरी समय पर नीतीश कुमार ने बाकी सहयोगी दलों से समर्थन की क्लिक भी बात कही और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो हरिदास उनके जो है प्रत्याशी थे और उनको हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कि एकजुट होकर जो विपक्ष आगे आने की बात कर रहा था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। एक झटका जरूर कहा जा सकता है इसको, जो महागठबंधन की बात कही जा रही थी, जो विपक्षी दल है उसके महागठबंधन की बात कही जा रही थी, उसको लेकर एक झटका जरूर इसको माना जा रहा है। और अब आगे की किस तरह से रणनीति होती है कांग्रेस की, समूचे विपक्ष की, जो महागठबंधन की बात कही जा रही है, महागठबंधन की आगे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है इसको आगे के तौर पर भी देखा जा सकता है कि विपक्ष कितना मजबूत है यहाँ पर, कितना एकजुट है यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो कांग्रेस को हार मिली है
उससे कई संकेत जाते हैं और आगे आने वाले समय में जो बड़ा चुनाव है यानी कि 2019 का चुनाव है उसमें विपक्ष की रणनीति क्या होती है, किस तरह से एक साथ एक मंच पर सारे विपक्षी दल सारे विपक्षी नेता दिखाई देते हैं वो देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल आपको बता दें कि हरिवंश एनडीए के उम्मीदवार थे और अब उन्होंने वो जीत गए हैं यानी कि अब वो राज्यसभा के उपसभापति हो गए हैं। उसके बाद सदन में गुलाम नबी आजाद की बात करें उन्होंने बधाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और उनके ठीक बाद अरुण जेटली ने बधाई दी। अरुण जेटली जिनका स्वास्थ्य खराब था और काफी दिन बाद वो वापसी उन्होंने की है और सदन में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए खुशी जाहिर की कि स्वास्थ्य लाभ के बाद अरुण जेटली सदन में साथ में मौजूद हैं। उसके बाद अरुण जेटली ने उनकी बधाई दी।